और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है कि हिमाचल में अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक होनी थी, 8 बज चुके हैं। बड़ी खबर है ये, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अभी भी देरी, अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है, हंगामे की वजह से बताया जा रहा है। शिमला कांग्रेस दफ्तर में हंगामे की खबर आ रही है, हंगामे की वजह से बैठक में देरी। आप जानते हैं सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन सीएम कौन होगा उसको लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हिमाचल कांग्रेस पर बड़ी खबर है। अब दावेदार हैं 3 से 4, पहले 3 थे, संभवतः अब 4 हो गए हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं। अब बताया गया है पहले 4 बजे बैठक होनी थी विधायक दल की, फिर 6 बजे होनी थी, अब 8 बजे का टाइम किया गया। लेकिन अभी भी खबर हमको जो मिल रही है, वहां पर हंगामा हो रहा है, पर्यवेक्षक अंदर हैं, बाहर हंगामा हो रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं, 3 से 4 दावेदार हैं और सबका अपना दावा है कि उनके पास एक विधायकों की अच्छी खासी संख्या। और प्रतिभा सिंह, उनके कैंप का दावा, उनके पास 15 विधायक हैं। सुक्खू साहब कह रहे हैं उनके पास 21 हैं। मुकेश जी कह रहे हैं उनके पास भी अलग से विधायक हैं, कुल 39-40 विधायक हैं। यह मामला फंसता नजर आ रहा है। 40 में से 30 विधायक अब तक शिमला पहुंचे हैं। 4 बजे बैठक होनी थी, फिर 6 बजे बोला गया कि 6 बजे आ जाओ, फिर अब 8 बजे आ जाओ, लेकिन अभी तक कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि हिमाचल में मतलब पहाड़ वाली चढ़ाई कर तो ली कांग्रेस, अब आगे क्या होगा। ये बड़ी टूट और फूट की कगार पर हिमाचल में कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर है। 8 बजे बैठक होनी थी, 8 बज चुके हैं, ठीक 8 बज चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 8 बज चुके हैं, बैठक अब तक नहीं शुरू हुई है। 4 बजे पहले बैठक, फिर 6 बजे बैठक, फिर 8 बजे बैठक। दावेदार सीएम पद के 3 से 4, प्रतिभा सिंह दावेदार है, इसके अलावा आप सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं। और ये लग रहा है कि हो सकता है जल्द ही मतलब हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस के इल्जाम कांग्रेस पार्टी ना लगाने लगे। हो सकता आने वाले समय में ऑपरेशन लोटस के ना आरोप लगने लगे, क्योंकि जीत के बावजूद कांग्रेस